जिमनास्टिक में अजमेर का नाम रोशन करने के लिए बच्चे घंटों करते हैं प्रैक्टिस। पटेल मैदान में 7 साल से जिमनास्टिक करने आते हैं ये बच्चे। अजमेर की माही परिवार ने हाल ही में जीते राष्ट्रीय पदक। अजमेर के पटेल मैदान में पिछले 7 सालों से बच्चे जिमनास्टिक की प्रैक्टिस करने आते हैं। जब हमारे संवाददाता ने बच्चों से बात की तो बच्चों ने बताया कि राजस्थान के अजमेर ने अभी तक जिमनास्टिक में सबसे अच्छा प्रदर्शन किया है और हाल ही में अजमेर की माही परिवार जय कनौजिया ने राष्ट्रीय स्तर पर अजमेर को मेडल दिलाए हैं। इन बच्चों को हर दिन काउंसिल ऑफ स्पोर्ट्स के कोच सिद्धांत सिंह शेखावत घंटों प्रैक्टिस करवाते हैं ताकि बच्चे अजमेर का नाम रोशन करने से पीछे न रहे। आप मेडल्स लेके आए और कैसे आपको महसूस हो रहा है? मैं ग्वालियर में प्रो लीग गई थी नेशनल्स, वहाँ पे मैंने 12 मेडल जीते। किस तरह से कैसे वो है? मोहसिन सर ने मुझे ऐसी प्रैक्टिस, उन्होंने बहुत मेहनत की है मुझे प्रैक्टिस कराने के लिए और मैंने 3 साल से प्रैक्टिस करी है तो मैंने जिमनास्टिक्स में, इसलिए मैंने जिमनास्टिक्स में 12 मेडल्स लेने का निश्चय लिया। सर हम लोग यहाँ पे 7 साल से जिमनास्टिक्स कर रहे हैं और बहुत अच्छा प्रैक्टिस करते हैं। 4 o'clock आते हैं और 8 o'clock तक प्रैक्टिस चलती है। हमारे कोचेज हैं मोहसिन सर हैं, सिद्धांत सर हैं, ओम सर हैं यहाँ पे कोच और साथ में यहाँ बहुत अच्छा, यहाँ का सबसे बेस्ट राजस्थान का रिजल्ट यहीं से निकलता है अजमेर जिमनास्टिक सेंटर से। यहाँ पे अभी रिसेंट रिजल्ट्स निकले हैं जो माही परियार ये नेशनल मेडल लेके आई है, 12 मेडल्स। फर्स्ट टाइम लेवल वाइज कंपटीशन हुआ था प्रो लीग, उसमें 12 मेडल्स आए हैं और जय कनौजिया उसके 9 मेडल्स लगे उसी प्रो लीग में और राजस्थान का सबसे ज़्यादा रिजल्ट देने वाला ग्राउंड है ये। यहाँ पर हर साल कम से कम 9 से 14 नेशनल मेडलिस्ट और नेशनल प्लेयर्स निकलते हैं। किस जगह ही आपका ये कोचिंग चल रहा है, क्या है आप? ये पटेल स्टेडियम में चल रहा है ये कोचिंग सेंटर और यहाँ के कोच सिद्धांत सर हैं। किस नाम से हैं? सिद्धांत सिंह शेख। नहीं, ये कोचिंग किस नाम से चल रही है? कोचिंग काउंसिल ऑफ स्पोर्ट्स। ओके, आपका नाम? दीक्षा बसा।